दूसरा एक मौत का व्यापार जो हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है वो व्यापार है सिगरेट का। सिगरेट के व्यापार के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, वो ये कि दुनिया में सिगरेट का व्यापार अमेरिका देश से शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी में अमेरिका की कंपनियों ने सबसे पहले सिगरेट बनाई और फिर सिगरेट बनाने का धंधा उनके यहाँ बढ़ता गया। जैसे जैसे सिगरेट का उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे सिगरेट बेचने के लिए उनको रास्ते बनाने पड़े, तो जिन जिन देशों में अमेरिका की कंपनियाँ गईं उन्होंने सिगरेट बेचने का धंधा शुरू किया। शुरू के दौर में ऐसा रहा कि अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था, आप सभी जानते हैं, तो एक तरह से अमेरिका का जो सिगरेट का धंधा था वो पूरी तरह से इंग्लैंड के कब्जे में था, इंग्लैंड की कंपनियों के कब्जे में था। तो अमेरिका को गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने तंबाकू का उत्पादन अमेरिका में शुरू कराया। अमेरिका की ज़मीन इंग्लैंड से थोड़ी अच्छी है, अमेरिका की ज़मीन यूरोप के देशों से भी थोड़ी अच्छी है, अमेरिका की ज़मीन ऐसी ज़मीन है जहाँ तंबाकू का अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो जब ये स्पेनिश लोग अमेरिका में गए, आप तो सब दुनिया का इतिहास जानते हैं, सबसे पहला अमेरिका में जाने वाला जो यूरोपियन था उसका नाम था कोलंबस। 1492 में वो अमेरिका में पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने एक कॉलोनी बनाई स्पेनिश लोगों की और फिर गुलाम बना के लोगों को लूटना शुरू किया, और उस स्पेनिश कोलंबस ने ले जाकर वहां तंबाकू का उत्पादन शुरू कराया। फिर वो तंबाकू उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा के सिगरेट बनना शुरू हुई और सारी दुनिया में वो सिगरेट बिकना शुरू हुई, और उस सिगरेट के लिए कई कंपनियों को स्थापित किया गया। उस दौर में जो सिगरेट बनाने वाली सबसे पहली कंपनी बनी उसका नाम फिलिप मॉरिस, वो अभी भी जिंदा है। एक और दूसरी बड़ी कंपनी बनी जिसका नाम था आरजे रेनॉल्ड, वो अभी भी जिंदा है। एक और तीसरी बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी बनी जिसका नाम था अमेरिकन टोबैको कंपनी, जिसका भारतीय नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। आपने भारत में एक नाम सुना होगा ITC, ये मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी, उसका भारतीयकरण करके कर दिया इंडियन टोबैको कंपनी। सारी दुनिया के देशों में ये कंपनी काम करती है, श्रीलंका में इसका नाम होता है श्रीलंका टोबैको कंपनी या सीलोन टोबैको कंपनी, भारत में नाम होता है इंडियन टोबैको कंपनी, पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान टोबैको कंपनी, इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशियन टोबैको कंपनी। माने आदत है इन कंपनियों की कि जिस देश में घुसना उसका नाम पहले अपने साथ लगा लेना ताकि स्थानीय लोगों को लगे कि ये तो उनके ही देश की कंपनी है। तो ऐसे करके ये सिगरेट का धंधा चला। एक जमाना था।